हेलो गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वाचिंग टेक इट्स नाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने स्टोरी को किसी सिंगल पर्सन या फिर आपके चुने हुए लोगों के लिए हाइड कर सकते हैं। जब भी आप अपने स्टोरी को अपलोड करते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या ऐसा कोई सेटिंग है जिसके थ्रू जब हम स्टोरी को अपलोड करें उस पर्सन को हमारी स्टोरी ना दिख पाए जिसे हम अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा सेटिंग इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना है, जिसके बाद आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने स्टोरी को अपलोड करेंगे तो आपके मन में ये क्वेश्चन या फिर ये डर नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। इसे आप क्रोम ब्राउजर से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो उससे पहले आपको अपडेट करना जरूरी है। अपडेट करने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड उस आईडी से लॉगिन कर जाना है जिसपे आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंट के सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें आपको प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरी, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे स्टोरी से रिलेटेड, तो आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइड स्टोरी फ्रॉम, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी आपकी फॉलोअर लिस्ट होगी वो खुल जाएगी, तो उसमें आप स्क्रॉल करके चुन सकते हैं और टिक लगा सकते हैं। जिस पर्सन को आप हाइड करना चाहते हैं उसको टिक कर दें। अगर आप यहां से उसे नहीं ढूंढ पा रहे या फिर आप अननोन पर्सन को हाइड करना चाहते हैं जो आपके फॉलोअर लिस्ट में नहीं है, तो आप ऊपर में सर्च बार पे सर्च करके भी उसे फाइंड कर सकते हैं। सर्च बार पे आपको उसका यूजर नेम डालना है एंड वहां पे आपको उसकी लिस्ट आ जाएगी, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद वहां पे आप नंबर्स देख सकते हैं, जिस भी पर्सन को आप सेलेक्ट करेंगे उतना नंबर वहां पे आपको दिख जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपको बैक हो जाना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने स्टोरी को अपलोड करेंगे तो उस पर्सन को आपकी स्टोरी नहीं दिखेगी। इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, काफी इजी प्रोसेस है। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उस तरह से आप कंप्लीट करें एंड उस पर्सन को आप अपने स्टोरी के लिए हाइड कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं या फिर इसका आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, स्टेप्स जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने आर्टिकल लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट पे जाके उस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। जो भी मैंने वीडियो में बताया वो सारी पोस्ट वहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया या फिर मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।